सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि सब लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, चाहे वो मास्क का उपयोग करें, थोड़ी दूरी बनाकर रखें, अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ जगह पे ना जाएं, क्योंकि इस साल जो जिस तरह का ये वायरस है ये काफ़ी तेजी से फैल रहा है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं गरिमा भारती। पूरे बिहार में कोरोना के मामले जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं वो बड़ी चिंता का विषय बन गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर प्रशासन भी काफ़ी सजग हो गई है और अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही है कि कोरोना को किसी भी तरह से बिहार में कंट्रोल किया जा सके। आपको पता है कि बिहार में पटना ज़िला सबसे ज़्यादा संक्रमित ज़िलों में से एक है, सबसे ज़्यादा मामले यहीं से आ रहे हैं। उसके बाद गया भी वो ज़िला बन गया है जहाँ से ज्यादा मात्रा में संक्रमण का जो मामला है वो निकल कर आ रहा है। अब इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत गया पहुंचे हैं। गया में अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज में उन्होंने कोविड वार्ड का निरीक्षण किया है, वहां के हालात का जायजा लिया है। क्या कुछ कहा है प्रत्यय अमृत ने, आप सुनिए। अस्पताल में सारी तैयारी, कोविड वार्ड की कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और जिले स्तर पर भी जो काम हो रहा है, गया जिला में काफ़ी अच्छे से और जिला पदाधिकारी सिविल सर्जन की टीम काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि सब लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, चाहे वो मास्क का उपयोग करें, थोड़ी दूरी बनाकर रखें, अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ जगह पे ना जाएं, क्योंकि इस साल जो जिस तरह का ये वायरस है ये काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। कल गया में 128 मामले एक दिन में मिले हैं, तो ये भी एक कारण था कि हम लोग आज यहाँ पर आए हैं। और अटेंडेंट्स को दिक्कत नहीं हो, मरीजों की दिक्कत हो, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सजग रहने की जरूरत है। टेस्टिंग, तो आपने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को सुना। उन्होंने बताया है कि किस तरह से गया में ज़्यादा मामला बढ़ने के कारण अब ज़्यादा सख्ती बरतने की ज़रूरत है और ख़ासकर अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज में जो कोविड वार्ड बनाया गया है उसका निरीक्षण करने के लिए वो वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने कहा है कि घबराने की बात नहीं है, केवल ज़रूरत है कि सतर्कता बरती जाए। वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के जितने भी मेडिकल स्टाफ्स हैं वो पूरी तरह ध्यान रख रहे हैं, पूरी तरह चौकन्ना है कि किसी को भी कोविड से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो वो सीधे जाकर उस अस्पताल से संपर्क कर सकते हैं और अगर कोई ज़्यादा सीरियस मामला हो तो कोविड वार्ड में भर्ती भी हो सकते हैं। आपने देखा कि किस तरह से प्रत्यय अमृत अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचे हैं और जायज़ा भी लिया है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।